मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टोलेवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर जब भी बात होती है कि आपको ज्यादा प्रोटीन खाने चाहिए आपको ज्यादा प्रोटीन खाना चाहिए तो आपको सबसे पहले सलाह मिलती कि आपको अंडे जरूर खाने चाहिए बात सही है कि अंडे में जो प्रोटीन है वो बहुत अच्छी मात्रा में होता है एंड ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन की कैटेगरी में आता है जब भी प्रोटीन की बात होती है तो अंडे के अलावा बात होती है हमेशा नॉन वेजिटेरियन फूड्स की कि जिसमें प्रोटीन आपको मिलेगा आज मैं बात करूंगा कि ऐसी क्या चीजें हैं जिनमें अंडे या अंडे से बेहतर या ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है नंबर एक पर आते हैं चिकपीज या आप चने के नाम से या छोले के नाम से जानते हैं जहां तक अंडे का सवाल है जैसा मैंने कहा यह बिल्कुल प्रोटीन के एक्सलेंट सोर्स है एक अंडे में आपको छह ग्राम प्रोटीन मिलता है लेकिन आप चने को ध्यान से देखिए या छोले को ध्यान से देखिए जो आठ ग्राम प्रोटीन है अगर आप आधा कप चना इस्तेमाल करते हैं आधा कप चने को अगर आप इस्तेमाल करें तो आपको आठ ग्राम प्रोटीन मिलता है यानी एक अंडे से ज्यादा एंड ये लोग सदियों से यूज करते चले आ रहे हैं चने को इस रूप में एंड इससे प्रोटीन उनको एडिक्वेट मात्रा में मिलता है हमारे पहलवान तक वास्तव में चने से ही प्रोटीन की भरपाई करते थे एंड बड़ी बड़ी कुश्तियां लड़ते रहे जहां, सक, जहां तक सत्तू का सवाल है सत्तू इसी कैटेगरी को बिलोंग करता है नंबर दो पर आता है कॉटेज चीज या पनीर पनीर को आप ध्यान से देखिए अगर आप आधा कप पनीर लेते हैं तो इसमें बारह ग्राम प्रोटीन के बराबर होता है तो आधा कप आपने पनीर लिया तो आपको 12 ग्राम प्रोटीन मिला जबकि एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है ये जो पनीर है आप मल्टीपल डिशेज में यूज कर, तो डिश कर सकते हैं जहां तक लो फैट कॉटेज चीज है या लो फैट पनीर है वो हमेशा प्रेफरेबल है क्योंकि जो मीन प्रोडक्ट हैं उनमें जो फैट होते हैं हमेशा हार्ट हेल्दी नहीं माने जाते

या अदरवाइज ऑल्सो प्रोटीन की भरपाई के लिए जो आलमंड बटर है इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है नंबर चार पर आता है शेडार चीज जो शेडार चीज है ये उस तरह के जिंगी चीज है जो बहुत सारे प्रोटीन से लदा हुआ है इन द सेंस अगर आप एक औंस ये चीज लेते हैं तो आपको सात ग्राम प्रोटीन मिलता है इसके अलावा दूसरे आपको न्यूट्रिय मिलते हैं इन द सेंस कि आपको कैल्शियम मिलता है आपको जिंक मिलता है आपको फास्फोरस मिलता है वाइटमिन बी वाइटमिन ए मिलता है लेकिन इसके पोर्शंस को लिमिट रखना है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो फैट्स होते हैं डेयरी प्रोडक्ट में वो हमेशा हार्ट हेल्दी टाइप के नहीं होते इसमें सेचुरेटेड फैट भी ठीक मात्रा में होते हैं नंबर पांच पर आते हैं लेंटिल्स फॉर्चुनेटली दाल हम ठीक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं I mean,

के उससे आते हैं उनको हमेशा बेटर माना जाता है नंबर छह पर आते हैं पंपकिन सीड्स ये सबसे ज्यादा अंडररेटेड है कद्दू के बीज हम बिल्कुल बाहर फेंकते हैं हम इसको इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं हम इनको ध्यान भी नहीं देते हैं लेकिन इस फैक्ट को ध्यान से देखिए कि एक औंश जो छिले हुए कद्दू के बीज हैं या पंपकिन सीड्स हैं उनमें आठ ग्राम से ज्यादा प्रोटीन होता है तो एक औंश छिरे हुए कद्दू के बीज यानी आठ ग्राम से ज्यादा प्रोटीन इसके अलावा इनमें आयरन इनमें जिंक कॉपर एंड मैग्नीशियम एंड सेलि बहुत अच्छी मात्रा में होता है एक्चुअली इनको सुपर न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में माना जाता है नंबर सात पर आता है क्यूनोवा जो क्यूनोवा है वास्तव में होल ग्रेन है ये एडिबल सीड है अगर एक कप आप क्यूनोवा को देखें तो सेवन ग्राम प्रोटीन होता है इसमें इसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं

अगर हम तीन टेबल स्पून फुल आई मीन हेम्प स्टीड की बात करें तो इसमें 9.5 ग्राम प्रोटीन होता है यानी करीब करीब डेढ़ अंडे के बराबर इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड के शौकीन हैं तो इसमें कोई बात ही नहीं है अगर आप चिकन इस्तेमाल करेंगे आपको प्लेंटी ऑफ आप प्रोटीन मिलेगा जितने भी मीट्स हैं चाहे वो लेम मीट हो चाहे वो आई मीन बीफ हो उसमें आपको प्रोटीन ठीक मात्रा में मिलता है जो सी फूड से चाहे फिश हो चाहे श्रिम्प हो उसमें आपको ठीक मात्रा में प्रोटीन मिलता है तो अगर आप ध्यान से देखें जो प्रोटीन है अंडे ही अकेले सोर्स नहीं है अंडे के अलावा बहुत सारी वेरायटी है वेजिटेरियन फूड्स में जो आपको एडिक्वेट या मोर देन एडिक्वेट प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन चीजें लेते हैं तो चिकन फिश एंड ऑल टाइप्स ऑफ मीट आपको ठीक मात्रा में प्रोटीन देने की ताकत रखते हैं तो जो आई मीन फूड आइटम्स जो अंडे से ज्यादा आपको प्रोटीन देने की ताकत रखते हैं उनको पहचानिए है। और अपने खाने में शामिल करिए अगर इस चीज को समझने में यह वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर थैंक यू वेरी मच